करने में और करने में प्रोफेसर एहतिशाम बोला, अरे बहुत ही
किया और फिर भी तुझे दिखता नहीं, तो बोला अरे कुरान क्या है तुम्हारा, अब क्या दिखता नहीं, तो कहा लेकिन
करता हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से शिफा अता फरमाता हूँ, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से अल्लाह को इनायत अता करता हूँ और मैं अल्लाह के हुक्म से जो है नाबीना को बीना करता हूँ, इस तरह कहते थे। लेकिन मेरे आका ने यह नहीं फरमाया, मेरा वो चीजा ये है, मेरा वो चीजा वो है, नहीं, मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तियार दे दिया है, कहा तू जो चाहे मैं तुझे वो चीजा दिखा दूं, कहा अगर नबी है तो फौरन आप चांद के दो टुकड़े कर दे, चांद के दो टुकड़े कर दे, कहा अच्छा। फिर कायदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उंगली का इशारा करके चांद के टुकड़े हो, चांद के टुकड़े हो गए, और फिर उसे मेरे आका ने यूं कर दिया तो चुड़ गया। और फिर फरमाया बता आए क्या चाहता है, तो कहा कि आप मेरे दिल की बात भी जान ले और मेरी जो ख्वाहिश है वो भी पूरी कर दे। तो मेरे आका ने कायना से लगा हमारी से ने फरमाया जा तेरा काम पूरा हो गया। तो लोगों ने कहा भाई चाहता क्या था तू, तो कहने लगा कि मैं ये चाहता हूं, मेरे आका ने फरमा दिया कि तू ये चाहता है कि तेरी बेटी घर में ऐसी पड़ी है कि जिसके कि चल न सकती है, ना देख सकती है, ना उठ सकती, बैठ सकती है, सिर्फ होश का मोतरा हो गई है, ऐसी सिर्फ सांस ले सकती है, बस दूसरा कुछ नहीं कर सकती, जा तेरी बेटी शिकायत भी हो गई है, चले जा। तो मेरे आका ने कायना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी के उन्हें को भेज दिया, लेकिन जाते जाते कहने लगा और बेहना की तबलीग तो नहीं बची,
बात होती है। हाजिर निगरान, सलाम अलैकुम।